पर्सनल कोचिंग के असाइनमेंट्स ये एक ऐसी मोड ऑफ लर्निंग है जिसको खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। जब भी व्यक्ति अपने अंदर मोटिवेटेड महसूस करता है या उसको इसकी आवश्यकता महसूस होती है तभी वो इस अनुभव से गुजर सकता है। ये एक एक क्लासरूम ट्रेनिंग की तरह काम नहीं करता जहाँ एक सिलेबस होता है। ये एक ऐसा अनुभव है जहाँ व्यक्ति छोटे छोटे ड्राइवर से या छोटे छोटे शिफ्ट से अपने व्यवहार में या अपने अंदर आवश्यक रूप से उसको जो चाहिए वो उन परिणामों के बारे में वो सीखता है। जब हम वन ऑन वन डिस्कशन करते हैं तो ऑब्वियसली क्लाइंट्स अपने बारे में बहुत सारी बातों का जिक्र करते हैं, उनकी सफलताएं, उनकी विफलताएं, उनके भय, उनकी उनकी ऐसी कुछ कमजोरियां जो उनको लगता है कि कभी किसी व्यवहार में उनके नोटिस में आई। फिर हम प्रयास ये करते हैं कि उनको उनकी जो क्षमताएं हैं या उनकी जो उनका जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को और ज़्यादा उनको उसके ऊपर उनको और ज़्यादा बिल्ड करके हम चाहते हैं कि वो भविष्य में अपना बेहतर व्यवहार करके या अपनी सफलताएं अर्जित कर सकें। ये उसी तरह से जिस तरह से 22 खिलाड़ी जब फुटबॉल के मैदान में खेलते हैं तो खेलने वाले खिलाड़ियों को हमेशा अपने अगल बगल सिर्फ कंधे टकराते बॉल छींचते खिलाड़ी दिखते हैं, लेकिन जब आप बाहर बैठे होते हैं उस ग्राउंड से तो आपको हमेशा वहाँ फॉर्मेशंस दिखते हैं। वहाँ पे आपको 22 खिलाड़ी किस फॉर्मेशन में खेल रहे हैं, राइट फ्लैंक से खेलते हैं, लेफ्ट फ्लैंक से खेलते हैं, शॉर्ट पासेस खेलते हैं या लॉन्ग पासेस खेलते हैं, बाहर से देखने पर उन्हें वो सब नज़र आता है। तो एक कोच की निगाह भी हमेशा अपने क्लाइंट पर उसी तरह होती है जैसे एक स्पोर्ट्स कोच की निगाह अपने खिलाड़ियों पर होती है, जिसके अंदर आधारभूत क्षमताओं का की कमी नहीं होती लेकिन फिर भी वो उनमें निखार ला के उसके उसके परफॉर्मेंस को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाता है। और इसी तरह से वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स का फॉर्मेशन होता है। कोचेज हमेशा प्रयास ये करते हैं कि नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रख के हम उनकी सकारात्मक क्षमताओं को जितना बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके उनका विकास कर सकें, लोगों की क्षमता या लोगों की सफलता जो है उसमें निहित होती है। कोचिंग में हम ये प्रयास करते हैं कि लोग स्वयं अपने व्यवहार के बारे में सीखें। हम उन्हें एक टीचर की बजाय नहीं सिखाते पर वो स्वयं जिस टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं उसमें वो खुद अपने व्यवहारों के बारे में सीखते हैं। बहुत सारे लोग जो आज बिजनेस में करियर्स में गलत निर्णय लेते हैं या उनको काफ़ी तनाव होता है, वर्क लाइफ बैलेंस के इश्यूज होते हैं, उनकी रिलेशनशिप्स में काफ़ी क्लेश पैदा होते हैं या उनके व्यक्तिगत जीवन में इम्बैलेंस की स्थिति निर्मित होती है जहाँ पूरी तरह से उनका संतुलन खो जाता है, उस स्थिति से उभरने के लिए लोग लाइफ कोचेस का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि वो कोचेस प्रयास ये करते हैं कि उन्हें एक सही दिशा देके या उस दुर्गम समय से उनको निकलने की प्रेरणा दे सकें और वो सही निर्णयों की तरफ अग्रसर हो सकें उन सारे नकारात्मक व्यवहारों के ऊपर काबू पाने के बाद। उदाहरण के तौर पर यदि आप शेयर मार्केट्स को देखें तो शेयर मार्केट एक ही रफ्तार से एक ही तरह से चलता है पिछले 25-30-40-50 साल से। कुछ लोग उसमें अच्छा पैसा कमाते हैं, कुछ लोग उसमें पैसा गंवा देते हैं। शेयर मार्केट का उसमें कोई दोष नहीं होता बिकॉज एक शेयर मार्केट एक न्यूट्रल आइडेंटिटी है, लेकिन जो पैसा लोग गंवाते हैं या कमाते हैं उसका कारण होता है उनका कोई ना कोई व्यवहार। वो या तो ग्रीड हो सकता है या फियर हो सकता है, या तो लोभ हो सकता है या भय हो सकता है। दोनों स्थितियों में जब आदमी एक्शन लेता है तो उसके निर्णय हमेशा गलत होते हैं। और ये यही स्थिति तकरीबन लोग अपने काम में, अपने अपने अपनी नौकरी में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने बिजनेस में तरह तरह के ऐसे निर्णय लेते हैं लोग जो उनके उनकी आंतरिक क्षमताओं का नतीजा होते हैं बजाय इसके कि वो अपने आप में एक स्वयं एक स्थिति को वो स्थिति अपने आप में स्वयं उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितना उस स्थिति में उनका व्यवहार होता है। तो हम प्रयास करते हैं कि उनके व्यवहारों को इस तरह से संतुलित करें ताकि वो अपने निर्णयों को सही तरीके से ले सकें। कोचिंग हम व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादातर कोचिंग दुनिया भर में आप कहीं भी हों आप सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने कोच से कनेक्ट कर सकते हैं। आमतौर पर ये असाइनमेंट्स जो होते हैं वो हफ्ते में एक या दो बार हो सकते हैं किसी भी क्लाइंट्स के बाद। जहाँ तक इनके ड्यूरेशन का सवाल है, कुछ क्लाइंट्स इनको सालों साल तक अपने कोचेस को अपने साथ रखते हैं ताकि निर्णय बहुत अच्छे तरह से वो लंबे समय तक लेके अपनी सफलताओं को बहुत लंबे समय तक अपने साथ रख सकें। कुछ लोग जिनकी समस्याएं बहुत टेम्परेरी होती हैं या बहुत सीमित अवधि की होती हैं वो एंगेजमेंट से होते हैं, वो 1-1.5 महीने के हो सकते हैं। मसलन यदि आपको किसी जॉब चेंज की समस्या है या आप किसी भी नौकरी से व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या व्यवसाय में किसी मुश्किल का सामना कर रहे हैं
अगर वो एक छोटी समस्या है तो आप पाएंगे कि हो सकता है उसका निदान आपको एक महीने में मिल जाए या डेढ़ महीने में मिल जाए। लेकिन अगर आप एक कंपनी के टर्नओवर को बढ़ाना चाहते हैं दो गुना या डेढ़ गुना, तो हो सकता है कि उसमें शायद आपको कुछ ज़्यादा लंबा समय लगे। कोचिंग जो होती है वो आमतौर पर एक घंटे प्रति सप्ताह से ज़्यादा की आवश्यकता नहीं होती है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप बेहद हार्डवर्किंग हैं और अपने नतीजे जल्दी ला सकते हैं, तो आप हफ्ते में दो बार